मेरे हिस्से का भाई खा के आइएगा, मैं ऐसे वहीं देखा तबाही मजा आ गया। अगले बेरी सदन नहीं है खाना। और इधर भाई ने भाई तसव्वुर दिखा रहे हैं, शहतूत निकल रहा है, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहज़ाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप के सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी भाई सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। दिन के भाई तकरीबन 12:30 हो गए हैं और अभी नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। इधर नहीं भैया महान जी, क्या हाल चाल है? आराम नहीं आ रहा आपको, मैं देख रहा हूँ। अच्छा भाई, आज जो है ना एक वलीमा था इधर पड़ोस में ही, रिश्तेदार तो नहीं है मतलब पड़ोसी हैं, तो उन्होंने शादी पर बुलाया हुआ था वलीमे पर। तो भाई तसव्वुर और भाई सदाकत तो उधर जा रहे हैं। भाई तसव्वुर तो कह रहे थे कि मैं भी साथ जाऊं क्योंकि मेरे क्लास फेलो की शादी थी, मतलब वो अब इतना मिलना जुलना हमारा नहीं था। तो मैंने कहा मैं तो अब चुका हूँ, नहा और पैंट शर्ट पहन लिए, तो ये लुक नहीं है शादी में जाने वाली। तो भाई सदाकत और भाई तसव्वुर जो है ना शायद अभी वलीमे के लिए जाएँगे। और अम्मा ने कहा तूने नहीं जा रहा तो फिर मेरे साथ आप काम करवा। काम भाई कुछ यूँ है कि ये देख रहे हो सारी घास पर चढ़ गई, और नीचे से उठाओ ना इसको ऐसे, ये देखो ये हालत हुई बड़ी है, मतलब वो जल जाती है वो जगह क्योंकि उसको धूप नहीं मिलती, कोई हवा सही से नहीं लग पाती, तो वो जगह हुई पड़ी है सारी ख़राब। और इधर जो है ना आपको मैंने अगले दिन दिखाई थी कि अंजीर का पौधा बड़ा अल्लाह अल्लाह करके जो है ना दोबारा से ग्रीन हुआ, देख रहे हो पत्ता कितने बड़े हो गए और नीचे से भी निकल रहे हैं। और इसको डिस्टर्ब कर रही है सूरजमक्खी के पौधे, तो आज ये सारी क्लिनिंग करनी है, साफ़ सुथरी जगह करनी है और इन पौधों को जो है ना थोड़ा कम करना है। अब्बा जी भी आ गए, अब्बा जी ने शादी तो ला जाना है, शादी तो नहीं जाना शादी और पड़ोसियों की है अच्छा तुम नहीं जानते। अबा जी ने भी नाश्ता किया हुआ, कह रहे मैंने नहीं जाना। तो खैर जब इस ये है कि अगर इसको हम शॉर्ट कर देना तो ये दोबारा से हेल्दी मतलब निकलेंगे इसकी टहनियाँ, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करना है और इन सूरजमुखी के पौधों को निकालना। और सूरजमुखी के इतने पौधे हुए, ये लगाए तो नहीं है, फिर हो कैसे गए? ये चेक करो आप, ये सारे सूरजमुखी के, इनको पतला करके लगा सकते हैं कहीं। तो अम्मा भाई ये इस चीज़ में एक्सपीरियंस ना है, अम्मा कहती है मैं ये काम खुद करूँगी तुमने ना, क्योंकि मैं कहीं उल्टा सीधा काट दूँगा तो फिर सारा पौधा ही ना ख़राब हो जाए। गार्डनिंग का भाई अम्मा को बड़ा शौक है, तो इसलिए ना मैं ये काम बड़े शौक के साथ करती हैं। अब ये है कि ये जो है ना सीधा सीधा फैलेगा और ये घास की तरफ भी नहीं आएगा, मतलब इसको बांध के रखते रहो ना तो फिर तो ये शेप सही बना जाता है। नहीं, ये बंधा हुआ है, ये नीचे से बंधी हुई है लेकिन फिर भी ना भाई ऊपर से फैल गई है, घास पे गिर गई है भाई। पौधे के तो सारा हमने तकरीबन जो है ना बस ये अब जो है ना दोबारा से फैलेंगे। और इनका मैंने एक और सोचा है, अगर इसको खींचे ऐसे तो ये जड़ से निकल जाएंगे हैं। मैं बड़ा इजी समझ रहा था कि बस खींचूंगा और ये पौधा बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये भाई बहुत गहरी की जड़ें बनाई उसने, निकल आया। ये देख रहे हो, ये अब ज़ाया नहीं होगा, किसी और जगह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जड़ भी साथ आ गई है। भाई अम्मा ने ना कहा है नहीं इसके, तो मैं ना वो पंजाबी में कहते हैं सिर वंजा के खलोसा, सिर वंजा छोड़े अम्मा। हाँ अम्मा कह रही है कि भाई अभी मौसम चेंज हो रहा है तो अभी टाइम इनको काट देते हैं, ये दोबारा से नए हेल्दी ग्रो करेगा। पहले सर्दियों की वजह से ना सूखे सूखे सड़े सड़े सा फील हो रहा था, तो चलो भाई आपका ये तरीका भी आजमा लेते। बाकी एक तो भाई सूरजमुखी का ये मैंने निकाल दिया, अगर तो आपको लगाना है तो मुझे बता दीजिए, अब दूसरे को भी खींच के देखते हैं। अच्छा ये पकड़े ना जोर भाई, जोर बड़ा लगवा रहे हैं, कहीं कमर में ना दर्द हो जाए, मुझे लग रहा है। सूरजमुखी के फूल की इतनी वैल्यू नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो की हुई है, लेकिन ये अंजीर का पौधा है ये बहुत रेयर होता है, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सूरजमुखी तो देख रहे हो ना कितनी खड़ी है, ये है, ये पौधे हैं, ये सारी सूरजमुखी है। पता नहीं क्यों भाई अम्मा को ना सूरजमुखी के फूल पसंद नहीं है, सारे निकाल रही हैं, बस करें ये वाले निकाल लें, ये बिल्कुल फिर से पास हैं, फिर ग्रो कर जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएंगे। प्लान जो है ना अभी हमारा हो गया है जी चेंज, चेंज इस तरह से हो गया कि इधर जो है ना सदाकत की तरफ देखो माशाल्लाह कितने प्यारे फूल हैं, सारे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, मतलब इसमें सदाकत ने नए फूल लगाए थे,
तो सारे अच्छे से ग्रो कर रहे थे और खूबसूरत भी माशाल्लाह से लग रहे हैं। और ये गुलाब का फूल आप देखो यार, दिल खुश हो जाता है जब ढेर सारे इकट्ठे फूल लगे होते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं। तो सागर के फूल तो माशाल्लाह से सारे अच्छे से ग्रो कर गए, क्योंकि इसने पुराने वाले फूल निकाल दिए थे जो सूरजमुखी के थे या कुछ और थे। एक ये सूरजमुखी का खड़ा है और इसने फूल भी लिया हुआ है। होता तो बड़ा सारा फूल है लेकिन होता है इतनी बुरी स्मेल होती है इसकी ना पूछो। अभी हमारा प्लान बना है कि जब ये सारे सूरजमुखी के पौधे ग्रो किए खड़े हैं ना, ये सारे निकाल देते हैं। अगर तो किसी कोशिश करेंगे कि पनीरी बन जाए इनकी, सारे जितने निकल जाए ना तो किसी को दे देंगे, नहीं तो फिर इनको सबको निकालते हैं और यहाँ पे ना कोई अच्छे वाले फूल लगा के लेते लगाते हैं। जिस तरह से अभी ये वाला फूल चेक करो कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, ऐसे ना जैसे वो गजरा बन रहा हो। और ये चेक करो, अम्मा को फूल लगाने का भी जल्दी थी और अब निकालने की भी जल्दी है। एक एक दो दो फूल लगे हो ना फिर सही लगेंगे, सारे लगे हुए बहुत बुरे लग रहे हैं। डिसाइड ये हुआ है कि एक बड़े वाला फूल खड़ा कर रहने देंगे, एक रहने देंगे, बाकी ये वाला भी निकाल देंगे और ये वाला भी निकाल देंगे। और वो जो उधर खड़े हैं ना सारे ढेर लगा हुआ है, इनमें से भी एक दो छोड़ देंगे और बाकी निकाल देंगे। ये पनीरी ही निकल रही है भाई, ये देख ये इस्तेमाल हो सकते हैं, पड़ोसियों को दे देंगे, वो घर में लगा लेंगे। देखो खराब नहीं हो रहा ये वाला भाई। देखो सूरजमुखी के पौधे के साथ ना नीम का पौधा उग रहा है, तो अभी इसको रहने देते हैं। अगर तो ये ग्रो कर गया तो छांव बनाएगा गर्मियों में, अगर देखा कि नहीं बना रहा तो फिर निकाल देंगे, फिलहाल ये रहने देते हैं। एक ये सूरजमुखी का खड़ा है पौधा नीम के साथ, ये भी निकाल देते हैं। इसमें भाई पड़ोसियों में से बच्चा आया है, सोबिया का भाई आया है, और लगा लोगे पनीरी? आ ले आ जा, अच्छा आगे ये ना ज़मीन बना के ना नरम करके गर्मी में जब अब्बू को कहना लगा देंगे। और भी ले जा, रुक जा और भी ले जा, अम्मा काट दे थोड़ी थोड़ी आ जड़ी खाली है ना, ये वाले सारे ऐसे खींचो ना निकल जाते हैं। ये देख चल ये ज़मीन बना के ना क्यारी उत्ते लाने फूल लग सन जिम्मे वो अलग खला बड़ा सारा कोई ठीक है ना, फल चल ले आ जा बस बड़ी है मुक दी नहीं सारे गारे ला दी गवाड़ियों ने भी देवी ठीक है। ये भाई सोफिया का भाई है, बड़ा भाई है, सबसे बड़ा यही है, और ये पांच बहन भाई हैं, खुद अंदाजा लगा लो कि सबसे छोटी कितनी छोटी होगी। अच्छा भाई लॉन जो है ना हमारा ग्रॉस लॉन, ग्रॉसी लॉन होता है, ग्रॉसी प्लॉट, प्लॉट कह लो लॉन कह लो लॉन्च कह लो जो भी कह लो, वो खैर साफ हो गया। अब ये कपड़ा छोड़ना है जिसमें वो सारा जो घास हमने निकाला है ना वो भाई इसी में बांध देंगे और फिर उसको बाहर फेंकेंगे या भैंसों को डालेंगे जो चीज़ खा ले। ये भैया आ गया कपड़ा और अम्मा ने ना इधर भाई उड़ा दिया सब कुछ। फाइनली जो है ना सारी हमने जो लाइन है ना पौधों की साफ़ सुथरी कर दी है, खेली शेली को है ना इसमें से जो फजूल पौधे थे वो सारे निकाल दिए हैं। वैसे बुरा तो लगता है जो सूरजमुखी के फूल काफ़ी बड़े हो चुके थे लेकिन ना बहुत गंद मचा रहे थे। ये जो देख रहे हो ना गमले, एक तो ये हुए एक्सपायर पड़े हैं, प्लास्टिक जो ना गल गई है, दूसरा भाई सूख ऐसे गए ना ये पिछले मौसम की कुछ वजह से, इसमें वो फूल वगैरह और वो इसको क्या कहते हैं जो गुल दोपहरी होती है वो लगी हुई थी। और अभी इनकी ये हालत है इस तरह से, मतलब ना वो धूप और पानी की वजह से ना खस्ता हुए पड़े हैं, तो ये भी बाहर फेंकने वाले हैं, अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है।
फाइनली जो है ना सारी सफाई हो गई और आज फिर से इतनी गर्मी बनी खड़ी है ना, ऐसे चुभ रही है यकीन मानो। काम करो ना तो फिर वैसे भी ज़्यादा लगने लग जाती है। तो ये भाई इतनी ज़्यादा कचरा निकला है ना, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो घास इधर फैला हुआ था ना, सारा निकाल दिया। अंदर से जो पौधे थे एक्स्ट्रा वो निकाल दिए। अब इसको भाई बाहर फेंकते हैं और इनको लगाते हैं फिलहाल पानी और फिर ले आएंगे जी पौधे। अब भी जो है ना बिफोर भी आपने देखा था और अभी आफ्टर वाला सीन भी देख लो, बिल्कुल क्लीन हो गया। इसको जो है ना बाहर फेंक देते हैं, सूख जाएगा फिर इसको जला देंगे। यहाँ पे भी हम आग लगाते हैं तो यहीं पे ये ऐसे देखो, इसमें मिट्टी थी गाय भैंसों के इस्तेमाल का, ये नहीं रहा तो सूख जाएगा 2-3 दिन में और फिर इंशाल्लाह इसको जला देंगे। और इधर रहा भाई बुगलू, इधर आ बुगलू, इधर आ। बेचारा बोर हुआ बैठा बैठ बैठ के ना, कोई खेलने वाला नहीं है इसका बहन भाई इसके साथ। देख रहे हो कितना क्यूट है, अब वैसे बड़ा हो गया काफ़ी, पहले दिन कितना था और आप चेक करो। और इधर गुगलू की माँ गुलनाज लगी हुई है जी, गुलबानो सॉरी गुलनाज कह रहा हूँ, गुलबानो चारा खाने में लगी है। इतना तो जो घास वगैरह थी उठा लिए, पत्ते पड़े हैं ये सूखे और ये मट्टी वगैरह, इसको अब सारे को इकट्ठा करना है। इधर जो है ना भाई तो सवार आ गए हैं रेडियो के शादी के लिए, मेरे इससे का भाई खा के आइएगा, मैं ऐसे वहीं देख तो भाई मजा आ गया। अगली बारी सदन नहीं है खाना। और इधर भाई ने भाई तो सवार दिखा रहे हैं शहतूत निकल रहे हैं, ये देखो भाई तो सवार लोगों का भी पौधा है और उसके ऊपर तो काफी कह रहे हैं लगे हुए हैं, तो हमारा अभी ग्रो कर रहा है। आपको पता सर्दी में सारे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, मार देना रंग हो जाए उन्होंने, हो रहा है नहीं नहीं वो भी गंजा हो गया। अच्छा वैसे यार इतना यूनिक पौधे हैं कि अभी पत्ते निकले नहीं, हालांकि पहले ये खुद ग्रो होते हैं फिर फल लेते हैं, लेकिन ये अभी खुद ग्रो भी नहीं हुआ साथ में फल भी ले रहे हैं। इधर भैया रेडी हो चुके हैं जी शादी के लिए, तबाही मचा देनी होते। तो हम जो है ना अपनी सफाई कंप्लीट करते हैं फिर इसको पानी लगाते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया, काफ़ी टाइम हमारा लग गया, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे रहे हैं हम कंटिन्यूस, तब जाके काम हुआ। और अब ना हाथों में ऐसे ना ऐसे ऐसे करता हूँ दर्द हो रहा है क्योंकि ऐसे खींचते रहे हैं ना घास को। खैर जी अब जो है ना मेन काम करते हैं भाई, पौधों को ना लगाना है जी पानी ताकि ये मिट्टी भी सही हो जाए और इनको एक बार पानी मिल जाए ना फिर दोबारा से इंशाल्लाह। सही से नहीं बनाएंगे, टाइम लगेगा सही से बनाने के लिए, हर पौधे को ना उसके पास पास पानी लगा देंगे और बाकी का छिड़काव कर देंगे। सही से पानी तब लगाएंगे जब सारे पौधे लगाएंगे। हाँ जी भाई तो फाइनली काम हो चुका है जी कंप्लीट, मैंने भी मुँह अच्छा धो लिया, इधर सारा छिड़काव भी कर दिया यार। अब देखो माशाल्लाह बिफोर एंड आफ्टर में, बिफोर में कितना झुंड बना हुआ था, यहाँ सारा पौधे ही पौधे बे ढंगे से खड़े थे, और आफ्टर में माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा हो गया ये क्यारी। अब यहाँ पर जो नए फूल लगेंगे ना चार चांद लगा देंगे ग्रोसरी प्लाट को। इंशाल्लाह गर्मी आ रही है तो कमरों में बैठना आगे मजीद मुश्किल होगा, शाम के टाइम बाहर बैठा जाएगा तो ये जगह खूबसूरत होगी। तो आपको पता है ये वाली जगह है जहाँ पे हम रात को सोते भी हैं, तो ये वाली जगह प्यारी बनाना लाजमी है। वीडियो एडिट कर रहा था और गाड़ी ठीक करवानी थी, गाड़ी का ना कुछ मतलब उसके ना फिटिंग वगैरह कुछ स्टिकर वगैरह उसके लगने वाले हैं तो वो लगवाने हैं, कौन से लगाने हैं जब लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा यार जाने का। बाकी आप भी भाई कमेंट्स में बताइएगा कि आप में से किस किस को गार्डनिंग करना पसंद है। अम्मा को स्पेशली तौर पर गार्डनिंग बहुत पसंद है, मतलब दिल से करती हैं बड़े शौक के साथ, ना भी कुछ करना हो तो पौधे शौधे लगाती और निकालती रहती हैं। बाकी मेरा कुछ सीन ऐसा है कि दिल कर जाए तो फिर मैं शौक चढ़ जाता है, दिल ना कर रहा हो तो फिर भी शौक नहीं चढ़ता, मतलब 70% कह सकते हो कि शौक मुझे भी है लेकिन बहुत एक्सट्रीम वाला नहीं है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप में से किस किस को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिलहाल वीडियो को भी करते हैं जी खत्म, बाकी यहाँ से आप देख सकते हो सारा बाहर काम सेट हो चुका है, पौधे लाना रहते हैं, वो ले आएंगे तो लगाएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं खत्म, अभी बस चाय बनानी है, मैंने खुद ही बनानी है चाय और वो पीनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।